स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम भारत की केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के समुद्री क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। अगर साथियों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट करते रहिए। साथियों, ये जो समुंदर देख रहे हो, ये समुंदर है अरब सागर। और इस अरब सागर का पानी, अगर आप सुबह सुबह जल्दी आते हो ना, तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ तक होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य निकलता है, समुद्र का पानी वापस समुद्र की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। और बहुत ही भारी संख्या में लोग आ रखे हैं, क्योंकि आज है 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन हम हैं मौजूद हैं दमन में, और आज यहीं पर भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथियों, अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है, इस कारण हम इस बीच से निकलकर दमन फोर्ट है, फोर्ट में घूमेंगे और फिर शाम के टाइम वापस इस बीच पर आ जाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा रखा है। और बहुत ही सुंदर है यहाँ का आसपास का वातावरण, और इतना ही ठंडा है मौसम यहाँ का। अब जो ये साथियों आप देख रहे हो, ये दमन फोर्ट के अंदर का व्यू है। दमन फोर्ट के अंदर आपको ज़्यादातर नए नए कंस्ट्रक्शन के घर देखने को मिलेंगे, और कुछ पुरानी इमारतें भी देखने को मिलेगी फोर्ट के अंदर। बट जो ये आप देख रहे हो, ये फोर्ट की दीवार है। फोर्ट की दीवार अभी भी सुरक्षित है चारों तरफ से, और दीवारों पर ये तोहफे लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं। तो पर डेट भी लिखी हुई है। फोर्ट को चारों तरफ से लाइटनिंग से सजा रखा है, और शाम के टाइम फोर्ट की दीवारें बहुत ही अच्छा नज़ारा पेश करती है देखने में। ये दीवार के ऊपर से बीच का व्यू है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं और लोगों के घूमने के लिए एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस है दमन फोर्ट। ये दमन फोर्ट की दीवार पे अब हम पूरा घूमेंगे, क्योंकि अंदर फोर्ट के अंदर तो कुछ देखने लायक है नहीं, बस एक दमन फोर्ट की दीवार से आसपास का व्यू, यही है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जहाँ आसपास का व्यू अपन देख सकते हैं। दमन के दीवार पर ये एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, और फोर्ट के अंदर तो ऐसे टूटे फूटे दीवारें हैं, चारों तरफ घास उग रखी है। ये फोर्ट की दीवार से बाहर का व्यू, ये फोर्ट के पीछे का व्यू है। और इस पीछे भी क्या है कि पुराने समय में जब ये फोर्ट बनाया गया था, तब एक नहर बनाई गई थी, क्योंकि सामने तो पूरा समुद्री क्षेत्र है, पीछे से भी एक नहर निकाली गई थी उसी पानी से, ताकि अगर आक्रमण होता है फोर्ट पर तो मतलब
दुश्मन को रोका जा सके, एक दीवार से भी रोका जा सके और प्लस नहर भी है तो उससे भी दुश्मन को आसानी से फोर्ट के अंदर ना घुस सके। तो अभी आपको आगे वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा कि नहर भी बना रखी है। और यहाँ पर नई इमारतों को तो आप देखोगे पता चल जाएगा, लेकिन पुरानी इमारतों को देखोगे तो यहाँ पर दीवार पर छोटे छोटे पौधे उग रखे हैं, काई जम रखी है और घास भी उग रखी है। ये अगर फ्रंट से मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं देख के आया था, ये चर्च जैसा बना हुआ है। और अभी आगे और चलते हैं तो देखो ये कैसे रास्ते हैं, इन घास घूस के बीच से होकर जाना पड़ता है। और दीवार तो फिर भी सुरक्षित है, ये यहाँ पर सैनिक खड़े होकर नज़र रखते होंगे। ये दीवार के अंदर पेड़ भी उग रखे हैं बहुत सारे। ये फोर्ट के बाहर एक अभी अभी रास्ता बना हुआ है, ये पहले ऐसे होता नहीं था। ये जो सैनिक खड़े होते थे ना, उसके अंदर से बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही जर्जर अवस्था में है ये फोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सुरक्षित करने के लिए भी बहुत कार्य किया है। अभी आप देखोगे ये जो मैं वो नहर की बात कर रहा था, ये वही नहर है जो दुश्मन को रोकने के लिए अवरुद्ध का कार्य करती थी। अब देखो आप ये फोर्ट के ऊपर लाइटनिंग भी बिछा रखी है। शाम के टाइम ये लाइटनिंग बहुत ही जलती है तो फोर्ट बहुत ही सुंदर देखने को प्रतीत होता है। फोर्ट के अंदर ऐसी छोटी छोटी अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं। ये रास्ते वही है फोर्ट के अंदर सेल होते थे जहाँ कैदियों को रखा जाता था, तो वहीं पर ये रास्ते जाते थे। बहुत ही ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक तो पास में बीच है और ऊपर से ये फोर्ट, और खूब सारे चर्च वगैरह भी हैं इधर। ये देख सकते हैं अभी सूरज ढलने को है, जैसे ही थोड़ी धूप कम होगी तो हम नीचे जाएंगे और फिर पास से समुद्र का व्यू भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत और इतना ही ठंडा मौसम है यहाँ रहता है, क्योंकि पास में बिल्कुल समुद्र है तो थोड़ी सी भी गर्मी होने पर बारिश हो जाती है। और यहाँ सर्दी गर्मी में बिल्कुल नॉर्मल मौसम रहता है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। ये नहर है, सॉरी ये नदी है जो वहाँ से आकर अरब सागर में गिर रही है। ये पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है। ये नावें पड़ी है यहाँ पर, मछुआरे यहाँ शायद मच्छी पकड़ते होंगे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आ रखे हैं, क्योंकि 15 अगस्त भी है। ये घास से भूलभुलैया बनाई गई है जिसको लोग पार कर रहे हैं अंदर घूम के। ये फोर्ट का मेन दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के अंदर से प्रवेश होता है। टिकट वगैरह कुछ है नहीं, आप अपने फोर व्हीलर टू व्हीलर को अंदर ले जाकर पार्किंग में खड़ी करिए और मज़े से फोर्ट को घूमिए। बहुत ही सुंदर है नज़ारा। यहाँ से बड़े बड़े कमरे हैं जो खुले हैं ऊपर से, और उनके अंदर जो ये आप देख रहे हो ना, ऐसी गुफाएं बनाई गई है। ये वही है शायद कैदियों को रखा जाता था, लेकिन कुछ काल कोठड़ी की जैसे बनाते हैं ना, वैसा ही है, अंदर डाल दिया जाता होगा। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर,
अब अपन भी तिरंगे को फहरा देते हैं फोर्ट पर और चलते हैं आगे की तरफ। फोर्ट के अंदर लोगों ने खेती भी कर रखी है, आप ये खेत देख सकते हैं, लोग खेती कर रहे हैं अभी भी, अंदर किसान बैठे हैं और खेत की देख रेख कर रहे हैं। और ये फोर्ट के बाहर से ये टेंट लगा रखे हैं, यहाँ पर आप रुक सकते हो नाइट को भी। बहुत सारी यहाँ पास में होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो आसानी से यहाँ रुककर 4-5 दिन घूम सकते हैं। अब चलते हैं आगे, शाम होने वाली है। देखो आप, लाइट भी स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे रात होगी तो ये लाइटनिंग और ज़्यादा चमकेगी, बहुत ही ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आ जाते हैं शाम को, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और साथियों, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये फोर्ट कब बना है, कौन से सन में बनाया है। ये साथियों पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये फोर्ट किस सन को बना था। ये साथियों नावें हैं जहाँ पर मछुआरे मछलियाँ वगैरह पकड़ते होंगे इन नावों से, और ये फोर्ट के अंदर से रास्ता आता है जो सीधा समुद्र के बीच की तरफ ले जाता है। अब साथियों घूमकर हम पूरा फोर्ट घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ चुके हैं और वापस अब नीचे की तरफ जाएंगे। अब चलते हैं वापस बीच की तरफ और देखेंगे बीच का नज़ारा। बीच का नज़ारा शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा कि आपको पार्किंग के लिए, पार्किंग से गाड़ी निकालना में भी दिक्कत होती है और यहाँ से निकलने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैलेस है तो यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि पानी कितना डीप चला गया, बहुत ही अंदर चला गया है। ये वॉकिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक के आसपास ये देखो फ्लैग भी है और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हो उस साइड भी कहते हैं छोटी दमन करके है कुछ, ये बड़ी दमन और उस साइड हो छोटी दमन, ऐसे जगह के नाम है। देख सकते हैं समुद्र का पानी। और ये जो आप देख रहे हो ये रिवर है और रिवर यहाँ से होते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाती है। अगर आप इस रिवर का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। ये देखिए आप दीवार को और फोर्ट के ऊपर जो टावर बना है उसको भी देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। अब साथियों यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त के ये कुछ लेख लिखे गए हैं और यादें हैं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब की यादें हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अगर आप हिस्ट्री में रुचि लेते हैं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में,
तो भी आप यहाँ घूमने आइए, आपको ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये सब पढ़ने देखने घूमने को मिलेगा। ये बिल्कुल फोर्ट के बाहर ही बनाया गया है और फोर्ट और बीच के बीच में ही ये जगह है जो आप वीडियो में देख रहे हो। ये पुराने समय की स्मृतियां हैं, किस तरीके से लोगों ने यातनाएं सही थी और कैसे कैसे अपना जीवन बिताया था। यह सभी यादें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की यादें हैं। लोग किस तरीके से ट्रेन पर जहां जगह मिल रही थी वहां घुसकर अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन जा रहे थे। कई लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और कई हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी जा रहे थे। लोग अपनी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या गाड़ियाँ जो मिल रहा था उसमें जा रहे थे। बहुत ही दुखदायी पल था ये उस टाइम का और इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है ताकि लोग इसको भी देखें और सोचें कि किस तरीके का इतिहास रहा है विभाजन के समय का। अब देखिए आप फोर्ट की दीवारों को, जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि शाम के टाइम ये कितना सुंदर व्यू देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं शाम के टाइम, जिस कारण आप देख सकते हैं रोड पर भी ट्रैफिक जाम हो रखा है, गाड़ियाँ रेंगती रेंगती हुई चल रही है। आसपास का नज़ारा बहुत ही शानदार। फोर्ट की दीवार नोटिस करिए और पार्किंग अभी भी खचाखच भरी हुई है। तो चलिए साथियों अब चलते हैं और मिलेंगे किसी दिन एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।